भी कहा था आपको कि कोरा कार्बन होता है ना, उसके ऊपर नीचे के पन्ने पर बराबर उमट जाता पूरा पूरा। मैया बोलती जा रही है और ध्रुव उसको आत्मसात करते जा रहे हैं। वो छवि को बिठाया अपने भीतर भगवान विष्णु। जाओ बेटे, तुमको यदि भगवान के ही गोद में बैठना है तो मेरा आशीर्वाद है, जाओ। ऐसी मां होना तुम तो नहीं भेज सकते हो, लेकिन कम से कम अपने बेटे को सुबह सुबह उठा के तुम्हारे साथ संस्कार में उसको पूजा में बिठाओ, संस्कार दो उसको। तुम तो केवल स्कूल भेज सकते हो, स्कूल भी भेजो, भेजना चाहिए, लेकिन साथ साथ उसको ये संस्कार भी देना सीखो कि वो हमारे भगवान को माने, वो हमारे गुरुओं को माने, हमारे सनातन धर्म को माने। उसको ये पता चले कि मेरी मां क्या कर रही है, मेरा बाप क्या करता है, तो सुबह से उठ के वो भी करे। आज ये संस्कार देना भूल गए मां बाप, और फिर अपेक्षा करते हैं बुढ़ापे में कि बेटा और बहू मेरी सेवा करे। असंभव। ध्रुव की नहीं, अपने पुत्र को संस्कार देना चाहिए मेरे भाई। भले आप धन मत दो, चल जाएगा। अरे धन तो उसके भाग्य में, वो भी कोई बिना भाग्य का नहीं आया है, धन उसके भाग में है तो उसको मिलेगा जरूर। तुम उसकी चिंता मत करो, केवल तुम यदि मां बाप बने हो तो उसको संस्कार देने की चिंता रखो, उसको संस्कार देना चाहिए। एक दृष्टांत देता हूं मैं। अब ये नया परिवार है ना भादसों का, गुजरात में मोरवी नरेश का बेटा एक राजा और उसका एक ही बेटा, वो जो है देखो संस्कार कितना असर करता है। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपने बेटे को संस्कार दो, अपने बच्चों को अपने हाथ से भोजन बना के खिलाओ, उधार भोजन मत खिलाओ, उधार संस्कार आ जाएंगे उसमें। आज सब रेडीमेड होने लगा, बस एक बार जो है ये मोरवी नरेश का बेटा, जब इसका जन्म हुआ तो ये थोड़ा छोटा था, 8 महीने 1 साल का, तो रानी साहिबा बालक को स्नान कराया, दूध पिलाया और पालने के अंदर पहुड़ा दिया, सुला दिया, और दासी को कहा कि देख राजकुमार सोया है, अब मैं जाके स्नान करके आती हूं नदी पर, तू देखना। तो रानी साहिबा स्नान के लिए गई तो उसको बहुत समय हो गया स्नान के लिए। इधर बालक जग गया और जगने से बालक को थोड़ी सी भूख लगी तो बालक रोने लगा। बालक रोने लग गया तो दासी ने सोचा, बहुत हाथ में उठाया इधर उधर लेकिन बालक रोना बंद करे नहीं। दासी समझ गई कि इसको बालक को भूख लगी। उसने उस बालक को अपना दूध पिलाने लगा। बालक को दूध पिलाने लग गई दासी। अब बालक को क्या पता कि ये दासी है कि मां है, उसके मुंह में दूध आ गया तो वो तो चुप हो गया। दूध दासी दूध पिला रही थी और उसी समय रानी साहिबा आई और रानी ने देखा कि दासी ने मेरे पुत्र को दूध पिलाया। उसको कुछ बोली तो नहीं,
क्योंकि उसको पता है कि रोया होगा तो ये भावना से कोई दूसरा तो ये नहीं है। और वैसे ही दासी को कहा ला मुझे दे दे और तू जा काम कर अपना। दासी को अपने घर के कमरे के बाहर निकाल दिया, दरवाजा बंद किया और ये बालक को पांव में रस्सी बांध के ओंधा लटका दिया। ओंधा लटकाने के बाद पेट को दबा दबा के जितना दासी का दूध गया था उतना सारा दूध बाहर निकल गया। रानी ने सब दूध बाहर निकाल दिया। फिर पुनः अपने बालक को, तो धीरे धीरे ये बालक बड़ा हुआ 5 साल का और अब राजकुमार था। इसलिए गांव के जो बच्चे हैं 10-20 बच्चे सब नदी के किनारे खेल रहे थे। 5 वर्ष की आयु इस बालक की, धीरे धीरे बड़ा हुआ और अपने मित्रों के साथ खेलने गया तो उस समय कुछ कच्छ के लोग, कुछ गरीब लोग अपने घर बार छोड़ के कहीं काम काज के लिए जा रहे थे। 2-4 दिन के भूखे भी थे और ये राजा का पुत्र होने से इसने देखा कि ये गरीब लोग हैं। उन्होंने कहा कि ठहरो। जब राजकुमार को देखा तो सब लोगों ने समझ गए और पूछा क्या कोई राजा के लड़के हो? बोले हाँ मैं राजा का लड़का। तो बोले हम बहुत गरीब है, हम बाहर जा रहे हैं भूखे। तो बालक ने कहा कि देखो आप 5 मिनट यहां बैठो, मैं अभी जाता हूं और मेरी मां से पूछ के आ जाता हूं, फिर तुमको ले जाता हूं घर। बालक बड़े भाव से भागते हुए गया और मां को दूर से पुकारता, मां मां मैया कहां हो, कहां हो? मैया ने अंदर से आवाज लगाई, क्या हो गया बेटे, क्या कहना चाहते हो? ये बालक आया और कहता मैया एक बात कहूं? बोले कहो बेटे। क्या? बोले कुछ कच्छ के गरीब लोग हैं, यदि आप कहे तो उनको मैं अपने घर ले आऊं। बड़े भाव से, बड़े सुंदर भाव से बोला बालक ने, आप कहो तो मैं ले आऊं अपने घर उनको। जैसा ही ले आऊं कहा ना, वैसे ही रानी साहिबा ने बालक को एक तमाचा जड़ दिया। वो बालक रोने लगा, बोले मैया मैंने क्या कुछ बुरा कहा आपको? मुझे आपने मारा क्यों? बालक बहुत रोने लगा। फिर उस बालक को, कुमार को मां पकड़ती है और कहती है बेटे तेरी गलती नहीं है, गलती मेरी है। बोले आपकी गलती कैसे? बोले जब तू छोटा था ना, मैं स्नान के लिए गई और दासी ने तुझे दूध पिला दिया और तू मेरा राजकुमार है, रानी का, राजा का लड़का है, और मैंने जब देखा तो मैंने तेरे पेट से सारा दूध बाहर निकाल दिया, लेकिन आज मुझे पता चला कि कम से कम वो दासी का 2 बूंद तेरे भीतर रह गया, इसलिए तेरे में ये संस्कार आ गए कि मैं पूछता हूं, मां को पूछ लूं फिर ले जाऊं, वरना तेरा घराना ऐसा है कि तू पूछने के लिए नहीं आता, तू ले आता उसको। ये तेरे अंदर ये संस्कार, वो 2 बूंद रह गई इसलिए तू यहां पूछने के लिए आया, वरना तो पूछने के लिए नहीं आते। तो मेरे भाई बहन, अपने बच्चों को आप धन यदि आपका है उसका ही है, उसका ही रहने वाला है, और यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो भी पुरुषार्थ करके सब कुछ कर सकता है। लेकिन मां बाप यदि अपने पुत्रों को यदि संस्कार न दे तो शास्त्र में उसको दोष माना गया है, वो मां बाप नहीं है।
इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। तो सुनीति ने कहा, बेटे तुम्हारे बाप बहुत बड़े हैं। और अब ध्रुव ने सोचा कि मां अब तो मैं तब ही